असलम क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट पार्क स्टडी इन इंग्लिश लेक्चर नंबर इलेवन पार्ट वन यूनिट नंबर टू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एंड लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन करें एनी थ्री प्रॉब्लम्स कोई से तीन मसाइल फेस्ड बाई द मुस्लिम जो मुसलमानों ने जिनका सामना किया था आफ्टर द क्रिएशन तख्लीक के बाद ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के कि पाकिस्तान के क्याम के बाद तीन मस, मसाइल को बयान करें जिनका सामना जो था वो पाकिस्तान ने किया था द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर थर्टी टू ना यू ओपन पेज नंबर आंसर ऑफ दिस टोटल आई थिंकम्स आर डिस्क्राइब हेयर You can mention only the name of uh, that uh, problems. Look at here. Number one, you can mention here the settlement of uh, migrants. Number two, you can write down administrative problems. And then number three, you can mention distribution of the military assets. Or uh, any three problems you can write down in the answer of that short question number five. Now you look at this. That what is that long question number?

ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाइनटीन फोर्टी नाइन यानी करारदादादा मकासद उन्नीस सौ उनचास सो इन दिस लेक् प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के वजीर अजम जिनका नाम था लियाकत अली खान प्रजेंटिड उन्होंने पेश किया तो पहले वजीर अजम थे पाकिस्तान के उन्होंने पेश किया हिस्टोरिक रेजोल्यूशन को एक करा, तारीखी करारदाद को फोर्टी uh, नाइन को कि बारह मार्च उन्नीस सौ उनचास में उन्होंने एक तारीखी क्रारदा पेश की किसने पेश की थी लियात अली खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन दसम्बली असम्बली में विच लेट डाउन देशिक लेट डाउन लेट डाउन मीन कानून आयद करना जिसने कानून आयद किया बुनियादी असूलों का फर्म मेकिंग बनाने के लिए और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए मुस्कबिल के आय को बनाने के लिए जिन्होंने कानून जो था वो उस बुनियादी असूलों का आयद किया फेडरल लजस्लेचर के वफाक जो कानून ने साजिने इट, उन्होंने इसको मंजूर किया विद मेजॉरिटी वोट मेजॉरिटी अक्सरीत के वोट के साथ अक्सरियती वोट के साथ उन्होंने इसको मंजूर किया And it is generally called, और इसको आमतौर पर कहा जाता है ऑबजेक्टिव रेजोल्यूशन क्रदासद अहम नक़ात ऑफ ऑबजेक्टिव रेजोल्यूशन क्रदाद मकासद के आर एस अंडर व मदर्जा जैल दिए गए हैं नंबर वन पॉइंट ऑफ दिस रेजोल्यूशन इज सॉनिटी सॉवरानिटी अल्लाह तीकमियत ऑबजेक्टिव रेजोल्यूशन कैटेगोकली बड़ी तफसी बयान से, से करते हैं डेट सॉब्रिटी uh, के जो हकमियत है ऑल ओवर द यूनिवर्स तमाम कायन की बिलोंग्स टू अल्लाह आलमाटी वो अल्लाह ताली के पास है यानी अल्लाह ताली की मलकियत है कि तमाम कायन की हकमियत जो है वो अल्लाह ताली की है एंड पावर इस ट्रस्ट इस दुनिया में जो पावर जो इकतदार है इट्स आ ट्रस्ट मतलब ये एक अमानत है विद द पीपल उन लोगों की एंड इट इज़ टू बी एक्सरसाइड एक्सरसाइज एक्सरसाइज इसको अमल में लाना चाहिए विदिन द प्रस्क्राइब्ड लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बताई हुई हदूद के अंदर बाई द इलेक्टेड मेम्बर्स इसके जो मंतखब शुदा नुमाइंदे हैं ऑफ़ द पीपल लोगों के यानी लोगों के जो मंतखब शुदा नुमाइंदे हैं वो उनको अल्लाह त बताई हुई हदूद के अंदर अमल में लाएँ फॉलो नंबर टू पॉइंट इज़ फॉलो द इस्लामिक वैल्यूज़ फॉलोयिन पैरवी करना इस्लामी इकदार की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज लेट डाउन क्रदाद मकासद ने यह कानून आए किया प, इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में इस्लामिक वैल्यूज़ जो तो इस्लामी इकदार हैं लाइक डेमोक्रेसी जैसे कि जमहूत इक्वालिटी बराबरी फ्रटर्निटी भाईचारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज़ादी का इजहार टॉलरेंस सब्रह्मल एंड दोशल जस्टिस और समाजी इंसाफ

एंड कलेक्टिव और अपनी इजमाही लाइफ से ज़िंदियों को अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम इस्लामी असूलों के मुताबिक यानी इस बात की तस्दीक की गई कि ऐसा माहौल जो है वो वो फ्राहम किया जाएगा जहाँ पर मुसलमान जो हैं उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि वह अपनी इनफरादी और इजतमाई ज़िंदियाँ जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकेंगे नंबर फोर इस प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन हेयर मीन तहफ़ अकलीतों का तहफ़ माइनॉरिटीज अकलीतें ऑल द माइनॉरिटीज़ तमाम अकलीतें लिविंग इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में रहती हैं शेल बी फुली फ्री वो होंगी मुकम्मल तौर पर आज़ाद टू लीड देयर लाइफ अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल अपने बुनियादी असूलों के ऑफ द रिलीजन्साहब के एंड बिलीफ और अकायद के कि वो तमाम अकलीतें जो पाकिस्तान में रहती हैं या रह रही हैं वो अपने मसाहब और अकला जो अकायद हैं उनके बुनियादी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगी नंबर फाइव पॉइंट इस प्रो प्रोविजन का मतलब होता है फ्राहमी और फंडामेंटल रुनियादी हक़ की फ्राह्मी ऑल दिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के तमाम जो शहरी हैं शेल भीड uh, uh, वो शेल बी ग्रटेड वो इस बात की जमानत होंगे उनको दी इस बात की जमानत दी जाएगी और फंडामेंटल राइट की जमानत दी जाएगी और विदिंग डिस्क्रमिनेशन एनी डिस्क्रिमेशन किसी भी फर्क या इम्तियाज को किए बगैर ऑन द बेस ऑफ रस्ली पोलिटिकल सियासी इकनॉमिक और इकतदी और रिलीजस प्रेजडिस या फिर मजहबी जो तुबात हैं इसमें तसुबात इनमें फ़र्क किए बग़ैर जो हैं उन सब को जो है क्या दिया जाएगा बुनियादी हकूक जो हैं उनको दिए जाएंगे उनको फराहम किए जाएंगे सो अब टू पॉइंट नंबर फाइव रीड इन दिस लेक्चर यू आर टू लर्न दैट फ्राम पॉइंट नंबर वन टू फाइव ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फाइव बाई हार्ट एट क्लास